गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लिविंग रेप्टाइल किलोनिया। अब तक हमने फॉसिल रेप्टाइल डायनासोर जैसे कि और रिंकोसेफेलिया, इन ये लिविंग फॉसिल, इनके बारे में पढ़ा। अब हम जो आज की तारीख में जो जीवित रेप्टाइल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं किलोनिया। किलोनिया जिसके अंदर टॉर्टोइजेज आते हैं, कछुए आते हैं, उसको किलोनिया ऑर्डर कहा जाता है। किलोनिया के कैरेक्टर्स इस प्रकार से हैं। द बॉडी इज मोर और लेस एलिप्टिकल, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। इनकी अर्ध गोलाकार, अर्ध चंद्राकार इस प्रकार से घूमी हुई रहती है और डोर्सोवेंट्रली यानी पृष्ठ और अधर तल से चपटी होती है। लिम क्लॉड एंड वेब्ड, पैड लाइक, इनके जो पैर हैं वो क्लॉड होते हैं, उनके अंदर नाखून पाए जाते हैं और उनमें जाल पाए जाते हैं, वो तैरने का काम करते हैं। बॉडी एनकेस्ड इन ए फर्म सेल ऑफ डोर्सल कैरापिस एंड वेंट्रल प्लास्टोन एंड मेड अप ऑफ पॉलीगोनल डर्मल प्लेट्स। बॉडी जो है वो दोनों तरफ से कवच से ढकी हुई रहती है। ऊपर वाले कवच को कैरापेस कहते हैं और नीचे वाले अदर को प्लास्ट्रोन कहते हैं। थोरेसिक वर्टिब्री एंड रिब्स आर यूजुअली फ्यूज्ड टू कैरापेस। जो थोरेसिक वर्टिब्री हैं और रिब्स हैं, पसलियां हैं, वो कैरापेस से जुड़ी हुई रहती हैं। स्कल एनाप्सिड और विदाउट टेम्पोरल फोसा, इनकी स्कल में किसी प्रकार का टेम्पोरल फोसा नहीं पाया जाता है। इनके कवच और इनके पैरों को देख करके इनके आवास का पता लगाया जा सकता है कि वो समुद्री है या स्वच्छ जलीय है या स्थलीय कछुआ है। जैसे कि ये उसका कैरापेस है, ऊपर का जो भाग होता है कैरापेस होता है, डार्क कलर का होता है, हेक्सागोनल डर्मल प्लेट्स पाई जाती हैं उसके अंदर। और अदर भाग जो होता है वो प्लास्ट्रोन कहलाता है, उसमें भी हेक्सागोनल प्लेट्स पाई जाती हैं लेकिन वो समतल होता है और जनरली व्हाइट कलर का होता है। डोर्सल और वेंट्रल व्यू, इनकी प्लेट्स की संख्या को कैरापेस फर्स्ट, कैरापेस सेकंड, कैरापेस थर्ड और इस प्रकार C1, C2, C3, C4, C5 के नाम से इनको हम नामांकन कर सकते हैं सुविधा की दृष्टि से। अगला है नेक एंड लिम्स टेल्स आर रिट्रैक्टाइल इनटू द कैरापेस एंड मोस्ट ऑफ द मराइन फॉर्म्स। ज्यादातर जो मराइन फॉर्म है या टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, एक्वेटिक जितने भी फॉर्म है, उनमें वो पैर और अपने अपनी गर्दन को और अपनी पूंछ को सिकोड़ करके अपने कैरापेस के अंदर, अपने कवच के अंदर खींच लेते हैं। ये क्षमता इनमें पाई जाती है। लिम्स आर बीक पेंटाडेक्टाइल मॉडिफाइड इनटू द पैडल इन मराइन फॉर्म्स। इनको जो लिम्स हैं वो एक पतवार के समान पैरों में बदल जाते हैं जिसकी सहायता से वो आराम से तैर सकते हैं। इन फ्रेश वाटर फॉर्म्स लिम्स आर वेव्ड एंड किलोनियन वॉक स्लोली ऑन लैंड बट स्विम फास्ट इन द बाय द पेडल इन मराइन फॉर्म्स। जब वो पानी में होते हैं बहुत तेजी से तैरते हैं और लेकिन जब जमीन पर होते हैं तो धीरे धीरे गति से चलते हैं। नॉर्मली द फोर लिम्स हैव फाइव वेल डेवलप्ड क्लॉड बियरिंग डिजिट्स व्हाइल द हैंड लिम्स हैव फोर वेल डेवलप्ड क्लॉड बियरिंग डिजिट्स एंड फिफ्थ क्लोलेस डिजिट इन द लेदर बैक और डेमोकेलिस क्लॉज आर टोटली एब्सेंट। कुछ कछुओं में क्लॉज नहीं पाए जाते लेकिन ज्यादातर में पाए जाते हैं। में पीछे के जो पश्चपाद हैं उनके अंदर चार क्लॉज होते हैं, पांचवें में नहीं पाए जाते। इस प्रकार इनमें क्लोइकल ओपनिंग इज ओवल एंड लॉन्गिट्यूडिनल। इनकी और लॉन्गिट्यूडिनल, इनकी जो क्लोइकल ओपनिंग आवश्यक द्वार है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। मेल पचेज ए सिंगल ग्रूव्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन और पेनिस। मेल के अंदर सिंगल ग्रूव्ड यानी खांचदार एक मैथुनांग पाया जाता है। Teeth are absent in adult condition and jaws are covered by the sharp horny plates in recent forms. Unotosaurus, a mid-Permian fossil, had teeth. एक परमियन के काल में पाए जाने वाला ये एक यूनोटोरस, एक प्रकार का एक किलोनियन था जिसके अंदर टीथ पाए जाते थे। आज के किसी भी कछुए के अंदर टीथ नहीं पाए जाते, उसके स्थान पर एक हॉर्नी बीक पाई जाती है, चोंच पाई जाती है उनकी। They are either herbivorous or carnivorous. वो दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। The terrestrial forms are always herbivorous, but the aquatic forms are either herbivorous or carnivorous. जो aquatic form है उनके अंदर carnivorous, कुछ कछुओं की प्रजातियां carnivorous होती हैं, बाकी ज्यादातर herbivorous होते हैं। Large intestine, इनका अगर digestive system देखें तो large intestine is divided into cecum, colon and rectum. जैसे हमारी इंटेस्टाइन बटी हुई रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसी प्रकार से इन कछुओं की इंटेस्टाइन भी तीन भागों में डिवाइडेड रहती है। द रेक्टम एंटर्स द क्लोइका। रेक्टम जो है वो क्लोइका के द्वारा बाहर खुलती है। जैसे कि ये इस प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया, ये ओसोफेगस ओपनिंग और ओसोफेगस के बाद में ये इसका स्टमक और स्टमक से ये जुड़ा हुआ गॉलब्लैडर और गॉलब्लैडर से ड्यूओडेनम, ड्यूओडेनम से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में रेक्टम और रेक्टम से क्लोइका के द्वारा बाहर खुल जाती है।
इनका सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखें तो हार्ट कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर साइनस विनुसस इनके अंदर पाया जाता है, क्योंकि रेप्टाइल हैं ये, तो थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है इनका, लेकिन इसके एक्स्ट्रा चेम्बर भी होता है जैसे साइनस विनुसस। ऑरिकल से ठीक पहले जब शरीर के विभिन्न भागों से रक्त इकट्ठा होकर के अशुद्ध रक्त आता है तो सबसे पहले साइनस विनुसस में जाता है, उसके बाद ऑरिकल में, उसके बाद वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर वापस हार्ट में शुद्धिकरण के लिए लंग्स में जाता है। टू थिन वॉल्ड ऑरिकल्स एंड थिक वॉल्ड कॉनिकल पार्टली डिवाइडेड वेंट्रिकल डक्टस आर्टरीसस और डक्टस बोटिली परसिस्ट द कनेक्ट टू सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी आर्चेस मेन और टायराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द वेंट्रिकल। इनका इनका जो डक्टस आर्टरीसस एक स्पेशल टाइप की डक्टस बोटेली नाम से जानी जाती है, जो सिस्टेमिक और पल्मोनरी आर्चेस को कनेक्ट करती है दोनों को, उसे डक्टस बोटेली कहते हैं, वो इन टर्टोइज में पाई जाती है। When the animal is treated with a danger, head, neck and limbs, tail are withdrawn into the cell and teeth are in the turtles, the being replaced by the horny beak-like structure, as I said. Although they breathe by lungs, they remain under the water for the considerable time. वो इतने लंबे समय तक पानी के अंदर रह लेते हैं बिना सांस लिए हुए, उनके अंदर एक अद्भुत क्षमता पाई जाती है, बिना सांस लिए वो बहुत लंबे समय कई घंटों तक पानी के अंदर वो तैरते रहते हैं। Air is pumped in lung by the movement of neck and legs. जो गर्दन और टांगों की मसल्स हैं उनके पंप के द्वारा इनके एयर का पंप होता है, एयर पंप होती है इनके लंग्स के अंदर। Some aquatic forms जैसे कि एमिस have vascular thin walled cloacal sac for aquatic respiration when submerged. कुछ में aquatic respiration भी cloacal respiration होता है, यानी cloaca के द्वारा respire करते हैं। कुछ में जैसे कि एमिस है उसके अंदर submerged यानी डूबे हुए पानी के अंदर वो respiration करते हैं। Lungs are spongy sacs and attached to the inner surface to the shell and are invested with the peritoneum and to the ventral side only. The breathing is brought about by the contraction of the abdominal muscles. Cloacal respiration performed in some aquatic forms by drawing water into the special vascularized diverticuli of uridium. यूरिडियम एक विशेष प्रकार का ऑर्गन है जिसके अंदर स्पेशली वास्कुलराइज्ड की होता है और उसमें ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से होता है, उसके क्लोइकल रेस्पिरेशन के द्वारा ये अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। फेरिंजियल रेस्पिरेशन इज सीन इन सॉफ्ट सेल टर्टल्स, फेरिंजियल कुछ सॉफ्ट सेल टर्टल में फेरिंजियल रेस्पिरेशन भी देखा गया है। फ्रिंज लाइक प्रोसेस ऑफ द फेरिंग्स आर थॉट टू बी यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन सबमर्ज्ड कंडीशन, डूबी हुई कंडीशन में जब वो पानी के अंदर रहते हैं, पानी के नीचे रहते हैं, तो फ्रिंज के समान एक फेरिंग्स में भी उनमें रेस्पिरेशन में काम आती है, रेस्पिरेशन में फ्रिंज लाइक फेरिंग्स उनमें यूज में आती है। द मेटाबोलिज्म ऑफ किलोनियन इज वेरी लो एंड कैन सस्पेंड ब्रीदिंग फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड और सम टर्टल्स कैन स्टे अंडर वाटर सेवरल आवर्स एट द मोमेंट दे ड्राइव एनर्जी बाय एनरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। इतने लंबे समय तक पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं तो उनके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है उसका कारण दो कारण है। एक तो मेटाबॉलिक जो रेट है उनकी बहुत ही धीमी गति से होती है, यानी उनमें एनर्जी का कंजप्शन बहुत स्लो होता है, और इसके कारण उनके अंदर जो मूवमेंट है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी ग्लाइकोलाइसिस से भी काम चला लेते हैं, जब ऑक्सीजन नहीं मिलती उनको तो ग्लाइकोलाइसिस से भी एनर्जी प्राप्त करते हैं। Most vertebrates cannot tolerate the presence of excessive amount of carbon dioxide either in lungs or in blood. कोई भी वर्टिब्रेट बहुत अत्यधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं झेल सकता, ना तो ब्लड के अंदर और ना ही वो लंग्स के अंदर। बट टर्टल्स लेकिन कछुए जो हैं वो हैव ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय इवॉल्विंग सर्टेन फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, उनके अंदर इस प्रकार का फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हो गया है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी कंसेंट्रेशन को भी झेल सकते हैं। When the higher concentration is present in the acidity of the blood increases, the pH level is decrease. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होते ही और कार्बनिक अम्ल की मात्रा बढ़ती है जिससे कि पीएच कम होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उस एसिडिटी को झेलने के लिए ये टर्टल ही सक्षम है और किसी वर्टिब्रेट में ये चीज नहीं पाई जाती। टर्टल हैव डेवलप्ड द मैकेनिज्म टू बफर द ब्लड एंड बाइकार्बोनेट आयंस हीमोग्लोबिन एंड सीरम प्रोटीन्स विच रेसिस्ट प्रोटीन पीएच चेंज सो दैट दे कैन टॉलरेट द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट वॉल्यूम इन देन अदर वर्टिब्रेट्स, उनके अंदर इसमें इस प्रकार की क्षमता पाई जाती है। ये इसका एक LS longitudinal section of heart है जिसके अंदर एक ये cavum venosus है,
साइनस विनोसस, राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, और ये है ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, और ये वेंट्रिकल है। तो इस प्रकार इसका ये थ्री चेम्बर्ड हार्ट है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चेम्बर भी इसमें केवम वेनोसस पाया जाता है, और ये इसकी मेन ब्लड वेसल्स हैं। किलोनियन में मेन ब्लड वेसल्स इसमें ये पाई जाती हैं, जिसमें कैरोटिड आर्टरी है, सबक्लेवियन आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट ऑर्टिक आर्चेस है, और ये इसकी सिलिक आर्चेस है, और फिर राइट वेंट्रिकल जो आधा डिवाइडर रहता है। द टेम्परेट क्लाइमेट यानी जो ठंडे स्थान हैं, ठंडी जलवायु वाले प्रदेश हैं। ऑल टर्टल्स हाइबरनेट ड्यूरिंग द कोल्डर डेज, बट इन ट्रॉपिकल कंट्रीज द एस्टाइव इज ड्यूरिंग द हॉटर मंथ। ठंडे प्रदेशों में भी और गर्म प्रदेशों में दोनों में ही कछुए जो हैं वो हाइबरनेट और एस्टाइवेट कर जाते हैं, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता के अंदर चले जाते हैं। किलोनियन ले कैलकेरियस हार्ड शेल्स राउंड ओवल एलिप्टिकल वाइट एग्स। The terrestrial forms lay the hole in the hole and dug by them on land, and the marine forms lay their egg in the hole on sandy beach, scooping away the sand behind by hind feet. जो marine turtles होते हैं वो अपने वो sand के ऊपर अपने पैरों से गड्ढा खोदते हैं, और उस गड्ढे के अंदर लगभग 100-150 के आसपास अंडे देते हैं, और फिर उस गड्ढे को वापस वो अपने पैरों से वो भर देते हैं, उसको स्कूप कर देते हैं, उसको भर देते हैं सैंड से, और फिर अपने पिछले पैरों से उसके बाद वापस अपने मराइन हैबिटेट में आ जाते हैं। एक्वेटिक फॉर्म्स हैव रिड्यूस्ड सेल एंड लिम्ब मॉडिफाइड एज द फ्लिपर्स एंड पेडल विदाउट द क्लॉज फॉर स्विमिंग। एज सी टर्टल रीचेज ए लार्ज साइज ड्यू टू द बायोन कैरेक्टर एनवायरमेंट, द लेदरबैक टर्टल जिसको डेमोकेलिस कोरेशिया कहते हैं आर फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ द केरला इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। सबसे बड़े प्रकार का जो कछुआ है वो डेमोकेलिस ओरेशिया है, जो केरला के समुद्र तटों पर पाया जाता है। इट मे रीच अबाउट 2.5 मीटर एंड अटेन वेट ऑफ द 60 किलोग्राम वजन। इतना वजन, 600 किलोग्राम वजन का और 2.5 मीटर लंबा कछुआ केरला के तट पर पाया जाता है। ग्रीन एंड एडिबल सी टर्टल किलोनिया मैडास ऑल्सो कॉमन इन द बे ऑफ बंगाल एंड may grow to 1 to 1.5 meter to 200 kilograms. The aquatic soft-shelled turtle, Trionyx or Amida, also have smooth leathery shell without silt. Their snout forms a short proboscis, and Trionyx gangeticus is the common in all river of North India, and the Trionyx lidae in South India. This is the Trionyx gangeticus, jo Ganga Nadi ke andar paya jata hai, bade largest size ka tortoise hai, iske andar ye paya jata hai. The snapping turtle are the carnivorous predators feeding on the fish and frog, waterfowl, etc. to powerful jaws. जो carnivorous कछुए होते हैं उनके अंदर powerful jaws पाए जाते हैं, उनमें जबड़े powerful होते हैं, और उनके जो दांत हैं वो serrated होते हैं, आरी के समान होते हैं, और उन वो carnivorous होते हैं, परभक्षी होते हैं, और fish और frog को वो अपना भोजन बनाते हैं। Giant land tortoises is testudo alvindoni of Galapagos Island in Pacific Ocean and the island of Indian Ocean weigh over 100 kg and attain the estimated age of 200 to 40 years, 400 years. 200 साल से लेकर के 400 साल तक सबसे लंबी उम्र इन कछुओं की होती है। जंतु जगत में सबसे लंबी आयु कछुओं की ही होती है, जो 200 साल से लेकर के 400 साल तक जी सकते हैं। अब इनके क्लासिफिकेशन देखें तो इस संसार भर में 244 प्रजातियां किलोनिया की पाई जाती हैं, कछुओं की पाई जाती हैं। मॉडर्न लिविंग किलोनियन आर डिवाइडेड इनटू टू सबऑर्डर्स, प्लूरोडायरा एंड क्रिप्टोडायरा। प्लूरो मींस साइड, डायरा मींस नेक। जिनकी साइड में नेक घूम सकती हो वो प्लूरोडायर कहलाते हैं, और क्रिप्टोडायर जिनकी गर्दन छुपी हुई हो यानी छोटी हो वो घूम नहीं सकती हो, इस प्रकार को क्रिप्टोडायर कहते हैं। तो प्लूरोडायर्स आर मोर प्रिमिटिव एंड सर्वाइविंग फ्रॉम द मीजोजोइक एरा। दे जनरली कर्व एंड द नेक ड्रॉप द हेड एंड साइडवेज अंडर द सेल एंड आर कन्फाइंड टू द सदर्न कॉन्टिनेंट। सदर्न कॉन्टिनेंट के अंदर ये पाए जाते थे, और इनको पिलो मेडूसा जैसा कि इसका एग्जांपल है, इनके अंदर कवच के अंदर ही अपनी गर्दन को घुमाने की क्षमता पाई जाती थी, लेकिन क्रिप्टोडायरा में ये इस प्रकार की क्षमता नहीं पाई जाती। वो आज की तारीख में पाए जाने वाले जो कछुए हैं दे आर ऑलमोस्ट कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड आर फाउंड सिंस क्रिटासियस। हेड इज विड्रॉन बाय द एस शेप्ड फैशन इन द नेक एंड टेल इज शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल टर्टोजेस, टेरापिन्स, टर्टल्स एक्सेट्रा। एंड दिस इज द वीडियो
in which turtle, sea tortoises are called as turtles. These are the sea turtles. सी टर्टल्स जो होते हैं उनके अंदर जो पैर हैं वो पैडल लाइक या पतवार के समान काम करते हैं और ये परमियन युग से और जुरासिक युग से ये चलते चले आ रहे हैं. एक तरह से इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. ये अर्लीस्ट मराइन होते थे जैसे डेस्मोचेलिस था पेडलस, इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न 6 फीट लंबा कछुआ होता था जिसमें 200 LBS यानी 907 किलोग्राम वजन होता था. ये विभिन्न प्रकार के टर्टल्स हैं जिनका आकार इस प्रकार से लेदरबैक का आकार जो है 8 फीट लंबा 2.4 मीटर लंबा होता है, जो आदमी की लंबाई तो 5.5 से 6 फीट होती है और उसके बराबर ये कछुए हुआ करते थे. सी टर्टल्स कैन ले मोर देन 150 eggs एट ए टाइम. जो सी टर्टल हैं वो एक से ज़्यादा अंडे एक बार में दे सकते हैं और लगभग 150 अंडे एक बार में देते हैं. वो इस प्रकार की जो सी टर्टल हैं वो सैंड में गड्ढा बनाते हैं और उसके अंदर अंडे देते हैं. अंडों में से बच्चे निकल करके बाहर आते हैं और वो उस नेस्ट से लेकर के और समुद्र तक का जो सफ़र होता है उसमें बहुत सारे एनिमियों से सामना करना पड़ता है, उससे दुश्मनों और शत्रुओं का सामना करना पड़ता है और उनसे बचते बचाते वो समुद्र के अंदर आते हैं और समुद्र की एक लहर आती है और अपने आगोश में उनको वापस ले जाती है और फिर वो पानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं. सी टर्टल्स सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सी टर्टल्स का जो सेक्स है वो टेम्परेचर से डिटरमाइन होता है. टेम्परेचर कितना टेम्परेचर होता है कि वो उससे मेल बन जाए और कितना टेम्परेचर होता है कि उससे फीमेल बन जाए और इस प्रकार उनका ये टेम्परेचर से जैसे कि 88 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो फीमेल बनेंगे और 82 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वो मेल बनेंगे उससे. इस प्रकार इनका सेक्स का डिटर्मिनेशन इनके टेम्परेचर से होता है. सी टर्टल्स यूज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू नेविगेट. नेविगेट करने के लिए वो पृथ्वी के चुंबकत्व का प्रयोग करते हैं. वो उसको डिटेक्ट करने के लिए इनके अंदर विशेष प्रकार के इनके नर्वस सिस्टम के अंदर इनके ब्रेन में मैग्नेटाइट विशेष प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं जो पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर को वो रियलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और उसके आधार पर वो अपना गमन करते हैं. ये जो बच्चे हैं ये नेस्ट से और समुद्र में जाते हैं और समुद्र से छोड़ करके जो वयस्क हैं वो फीमेल वयस्क हैं वो अंडे देने के लिए और अपने नेस्ट में आती हैं. अंडे देने के लिए वो पैरों से चल करके, क्योंकि इनके पैर कमजोर होते हैं वो चल नहीं सकते. विभिन्न प्रकार के कछुए हैं ये और लेदर बैक है, लोअर हेड है, ग्रीन टर्टल्स हैं और इस प्रकार के बहुत सारे कछुए लगभग इसमें पाए जाते हैं. लेकिन कछुओं के लिए एक समस्या ये है कि जो फिशिंग होती है उनके जालों में फंस करके वो मर जाते हैं, बेमौत मर जाते हैं, इसलिए इनकी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है. तो इनकी बहुत ही कम संख्या में ये पाए जाते हैं. ओरिजिन के बारे में बात करें तो ओरिजिन ऑफ किलोनियन इज स्टिल ऑब्स्क्योर. द पैलेंटोलॉजिकल हिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम द ट्रायसिक अबाउट 250 मिलियन ईयर्स एगो बट द अनडाउटेडली मस्ट हैव ओरिजिनेटेड इवन अर्लियर इन द परमियन फ्रॉम द कॉटिलोसोरियन एंसेस्टर्स. Proganocallis of late Triassic is considered to the ancestor of Chelonian and the Unotosaurus is considered the missing link between the Chelonian and Cotylosaurus. Chelonian और Cotylosaurus दोनों ही एक similar branches हैं जो एक ही ancestor से बनी. A small reptile of which the incomplete skeleton was preserved and collected from the Middle Permian in South Africa. And the trunk was the short and the broad like those of turtle. इनका आज के कछुओं की तरह इनका ट्रंक जो है वो चौड़ा होता था. द रिब्स विच आर 8 in number आर ब्रॉड एंड फ्लैट लाइक दोज ऑफ टर्टल एंड रूफ ऑफ द स्कल इज डैमेज सो दैट इट इज नॉट पॉसिबल दे आर एनएफसेड और नॉट. ये माना जाता है कि वो पता नहीं एनएफसेड थे या नहीं थे. उन जीवाश्मों के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, उनके एविडेंस इतनी ज्यादा प्रॉप नहीं है. दे पजेस्ड टीथ, उनके मुंह में दांत पाए जाते थे एंड हैड नाइदर कैरापिस नॉर प्लास्टोन. लेकिन उनके पास उनके ऊपर किसी प्रकार का कवच नहीं होता था, ना तो ऊपर वाला कैरापिस होता था और ना ही नीचे वाला प्लास्टोन होता था. फ्रॉम द अबव कैरेक्टर इट डिफर फ्रॉम द किलोनियन एंड इट इज अज्यूम्ड दैट द कैरापिस एंड प्लास्टोन वर द लेटर एक्विजिशन. एंड दिस इज ऑल अबाउट किलोनियन. थैंक यू वेरी मच.